नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो मैं आ गया हूँ नया गेम लेके, सकीरो शैडो डाई ट्वाइस। ओके, तो बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। लास्ट टाइम मैंने खेला था लेकिन मैंने रेस बीट कर दिया था क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। चलो स्टार्ट करते इस बार। न्यू गेम भाई, लास्ट टाइम भाई रेस क्विट किया था मैंने, लाइव स्ट्रीम किया था यार, मार नहीं पाया यार। पहला मिनी बॉस उससे मार गया था। चलो एंजॉय करते पहले ये कट सीन। In the years of the Sengoku era, Japan was consumed by a perpetual conflict. The fires of war raged on, spreading deep into the mountains, to the land of Ashima. Is the war finally over? What's the matter, Stray? Nothing left to lose? Well, would you look at that? Fascinating. Will you join me, starving wolf? On that day, a young cub was taken from the battlefield. He trained relentlessly and indeed went on to become a master shinobi. Listen, wolf. You must never forget the Shinobi Code. As your father, my word is absolute. Your master's is a close second. As of today, he is your master. Defend him with your life. If he is taken, bring him back at any cost. You understand me, don't you, Wolf? Some 20 years after Ishin's coup, the Ashina clan was on the brink of collapse. And the shinobi, known as Wolf, had lost everything. Both the man who took him in and the boy he had sworn to protect. तो ये मेरी कहानी थी, मैं कैसे बना मास्टर शिनोबी। उल्फ उल्फ मेरे को बुला रहे हैं। और बहुत ही प्यारा कटसीन था ये, ग्राफिक्स वाइज बहुत अच्छा गेम है ये, और साथ में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो एक्चुअली ये क्लान की फ़ाइट हो रही है, दो क्लानों के बीच में फ़ाइट हो रही है। ये क्या है आता? खैर ये तो पता है इसमें। Open your eyes, सो रहे क्या यहाँ पे गड्ढे में? तो मेरा जो मास्टर जो है यार, छोटा सा बच्चा, क्योंकि उसका बेटा था जिसने मेरे को क्लान में लेके आया, वो कैदी है अभी। तो खैर मेरे को शायद उसको अभी निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है कि
पुराने जैपनीज और जैपनीज कल्चर में क्लान होते थे, परिवारवाद, क्लान। तो जो एक क्लान दूसरे क्लान के से बहुत कंपटीशन होता था, तो अशिना क्लान वालों ने यहाँ पे कब्जा जमा लिया है। तो हमारे को शिनोबी को अशिना से मुक्ति चाहिए। तो ये क्लान की फाइट है, दो परिवारों की फाइट है। तो ये स्टोरी जो जैपनीज ट्रेडिशनल जो क्लान जो है उस पे है। उठ तो गया, मेरे पास हथियार नहीं है, लेटर है। ओके, लेटर मिल गया मेरे को। अभी मेरे को मास्टर को अपने बचाने जाना है। और सबसे कमाल की बात यह है गाइज, एक चीज़ तुम लोगों को बता दूं कि अभी जो है मैं आधा घंटा रिकॉर्ड कर चुका था और उसके बाद मेरा कंप्यूटर का कुछ अपडेट आया और मैं जो है दोबारा से ये गेम स्टार्ट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये अशिना का कैंप टेम्पल है, अशिना क्लान वालों का टेम्पल है, मतलब उनका फोर्ट है। तो यहाँ पर मैं हूँ। ओके, तो यहाँ पर दीवार के पास चलो और बहुत ही, तो यहाँ से मेरे को मास्टर को अपने लेके, छोटे बच्चा जो मास्टर है मेरा, तो लेके जाना पड़ेगा। मेरे को पता है यहाँ पे कैसे जाना है। तो मैं इनके सामने नहीं जा सकता क्योंकि वन शॉट में ये मारते हैं और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट गेम है। जिसने देखा होगा यार उसको पता ही होगा भाई, क्योंकि कई सारे लोगों ने बोला कि सकीरो खेलो। वो नहीं नहीं नहीं, इन लोगों ने मेरे को देख लिया क्या? नहीं नहीं, देखा नहीं है। तो यहाँ पे वी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे वी का बहुत ज़्यादा वो है ईव ड्रॉप का, क्योंकि आप जो है स्टोरी में क्या करना है आगे जो है बंदों के बारे में पता करने के लिए आपको वी दबा के उनको सुनना पड़ेगा। वो लीड देंगे, यहाँ के कैरेक्टर लीड देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है इस स्टोरी के बारे में तो ये करते, मैं वी दबाऊँगा तो ये लोग दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं एग्जैक्टली वो बंदा है कहाँ पे। अरे यार म्यूजिक ये क्या हो गया यार, मेरे को इन लोगों ने देख लिया और उसका तो म्यूजिक अजीब सा साउंड कर रहा है यार। चल तो यहाँ इन लोगों ने बताया आगे एक टेंपल है, टेंपल में उस बच्चे को कैदी बना कर रखा हुआ है और उन लोगों ने मेरे को देख लिया और उसके बाद से ये म्यूजिक चल रहा है, फाइट वाली म्यूजिक। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अबे ओए नहीं, ओके तो ये लोग भाई आके मेरे को शहीद कर दिए इन लोगों ने। तो एक्चुअली जो लास्ट मोमेंट पे मैं वहाँ से निकला था घर के नीचे जाने के लिए, वहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा सा मेरे को देख लिया। तो पहले ही बार में मैं एक्सपोज्ड हो गया भाई, एक्सपोज हो गया। चल यहाँ पे मेरे को वो मिल गया ना, लेटर मिल गया ना, लेटर शायद मिल ही गया होगा, तभी तो आगे के हिंट्स आ रहे हैं। तो भाई वो लास्ट मोमेंट पे मैंने गड़बड़ कर दी। तो खैर चलो फास्ट चलते हैं यार, ये मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा है इसका। चलो लास्ट मोमेंट पे मैंने जो है वहाँ पे गलती कर ली और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मेरे को छुप के जाना है इनसे बच के। लोग बात कर रहे हैं आपस में, बात करने दो। बहुत गंदा म्यूजिक था, मैं थोड़े लास्ट मोमेंट पे है ना इस ये मोटे वाले को के पास आ गया था और यहाँ पे मैं जो है टकरा के वहाँ से वो कर गया था। अभी मत देखना। चल यहाँ पे ऑलरेडी मैं वी से ईवड्रॉप मेरा ओके हो चुका है, यानी कि इन लोगों ने हिंट्स मेरे को दिया था कि ये बंदा जो है बच्चा, इन्होंने सामने वाले टेंपल, जो सामने टेंपल दिख रहा है वहाँ पे इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। और मेरी एचपी भी कम है और मेरा वो भी हथियार भी नहीं है। तो यहाँ पे एक है, दो बंदे बात कर रहे हैं, अभी ये क्या बोलेंगे। That? Don't worry about it. The hole faces the edge of a cliff. No one could pass through it. तो यहाँ सुनने के बाद मेरे को पता चला कि सामने के टेंपल में, वहाँ पे जो टेंपल है सामने, वहाँ कैद रखा हुआ है। लेकिन टेंपल के पास ही ना एक वो है, एक छोटा सा छेद है, उस छेद के चक्कर में ना एक होल है, होल में वो बच्चा जो है उसको रखा गया है। तो अपने को उस होल के थ्रू अंदर घुसना पड़ेगा।
मेरा लॉर्ड जो भी है, माय लॉर्ड, मेरा लॉर्ड जो है उधर कैदी बना के रखा हुआ है। तो ये ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ेगी कि आप दूसरे की बातें सुन सुन के आपको आगे के स्टोरी के बारे में हिंट्स पता चलेगा। चलो आ जाओ आगे। तो यहाँ पे ऊपर हो रहा छेद, होल जो भी है, तो आपको वो करना पड़ेगा। ओके चलो भैया मास्टर सिनोबी के पास। You did well to come here. It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. Well then, raise your head. Kusabimaru, your sword. My shinobi. In accordance with the bond of lord and retainer, you will pledge your life in my service. As you command. तो मास्टर से मिल गया भाई, बच्चा है अभी, अपने ड्यूटी पे हूँ इसलिए कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहा है। एक सर झुका के बैठ गया था मैं, और मेरा सोर्ड मेरे को वापस मिला है। इसका मेरे सोर्ड का भी नाम है कुसाबिमारू, कुसाबिमारू भाई सोर्ड का नाम है मेरा। तो सोर्ड मिल गया, लेकिन मेरे एचपी का क्या है? एचपी तो खैर ये दवाई दे देगा मेरे को, मांगता हूँ इससे मैं। ओके, तो मैंने स्किप मारा यहाँ पे और मेरे को दवाई मिल गई यहाँ पे। Were you gravely injured? Afterward? After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now we must escape Ashina Castle. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Ishin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. Okay, भाई, तो मेरे को अभी मेडिसिन मिल गया है और बंदे ने बोला भैया जाके वो ढूंढो, मेरे को ड्यूटी मिल गई। और मेरे को लास्ट टाइम जहाँ तक मेरे को याद है, रुक पहले अपने को हील जो है हीलिंग का हीलिंग पोशन है वो मेरे को सही करना पड़ेगा। क्विक आइटम में यहाँ पे कर लो, बाहर निकलो, आर दबा के मैं अपने आप को पहले हील कर लूँ। आधा ही एचपी हुआ है मुझे जहाँ तक याद है, लास्ट टाइम यहीं तक खेला था। ऊपर कुछ रखा हुआ था, ये कुछ है, ये क्या है? पैलेट, मेडिकल पैलेट का स्लोली रिस्टोर योर वाइटलिटी। ओके, स्लोली रिस्टोर योर वाइटलिटी, आई डोंट नो यार क्या है ये, लेकिन जरूरी चीज़ है तो इसको क्विक स्लॉट में डाल देता हूँ ना। डाल सकता हूँ क्या मैं? हाँ डाल दिया मैंने। चल पैलेट है अभी मेरे पास, अभी बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाते फाइट होएगी और हो सकता है मैं शिकार हो जाऊँ, क्योंकि यार बहुत ही डिफ़िकल्ट है और यहाँ का मैकेनिक भी अजीब सी है। चलो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है टॉगल टू लॉक द एनिमी। चलो एनिमी को लॉक किया मैंने, नहीं आया। भाई यहाँ पे सीन क्या है, अभी तो मैंने इन दोनों को बहुत जल्दी से मार दिया, लेकिन एक दिक्कत है। एक दिक्कत ये है कि जब आप फाइट करते हो यहाँ पे, तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक अगर आप पहले से रखोगे तो बहुत सारे गेम्स में ये ब्लॉक काम करता है, बट यहाँ पे काम नहीं करता है। आप जब वो बंदा अटैक कर रहा है ना, उस टाइम अगर ब्लॉक करोगे ना ये ब्लॉक, उस टाइम एट मोमेंट, तो जाके ये ब्लॉक काम करता है। ऐसे पहले से ब्लॉक करके बैठोगे तो ये काम नहीं करता है। तो ये चक्कर है यहाँ पे, और यहाँ पे बंदा है। अब
अबे इधर है इधर। भाई क्या बात है रे, चैंपियन हो गया हूं मैं, चैंपियन हो गया भाई। अरे 15 मिनट का वो भी क्या वीडियो मेरा। तो खैर रुको, पहले कह रहा है कि लॉक कर लो इनको और उसके बाद लेके आओ, तो क्या करें यार, लॉक करके इसको पहले बुला लेते हैं, ठीक है, इसको पहले बुलाते हैं, उसको बारी बारी से मारेंगे इसको, इनको, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे बुला लेता हूँ, उसको पहले एक को ठोक देता हूँ, फिर बाद में दूसरे को ठोकूंगा, दो को एक साथ फाइट करना थोड़ा मुश्किल है, किस्मत से ऐसे मर गए वो दोनों, तो छोड़ो यार, ऐसे मर गए वो दोनों, छोड़ यार उनको। ब्लॉक यार राइट टाइम पे मरा, वो मर गए ना। हाँ बट एचपी मेरी कम है यार, दिक्कत इस बात की है। यहाँ पे मारने के बाद अंदर जो है ना, अंदर मिनी बॉस है, लेकिन मिनी बॉस जाने से पहले ना एक दो बंदे और हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि इनको ये मेरे पास आ जाए, उसके बाद ये मारता हूँ मैं इनको। आ जा अटैक, एक और बंदा अंदर है, वो आएगा। हाँ ये रहा, आया, बोला ना। भाई एक और है, अबे यार भाई साहब, ओ भाई भाई, ज्यादा मेरे को हर्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे को मेडिकल चाहिए यार, मेडिसिन चाहिए ब्रो, यूज कर लो क्या, पैलेट पैलेट। अच्छा ओके, ये तो ओके, तो ये पैलेट जो है मेरे को हील करता रहेगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे मिनी बॉस है गाइस, यहाँ पे मिनी बॉस है, वो रहा मिनी बॉस, तो ये, ओ भाई साहब, आजा आजा, अरे मर गया ये, अबे नहीं नहीं, अबे ये तो और खतरनाक हो गया, अबे वो मेरे पास मेडिकल ही नहीं है, अबे नहीं, अबे ओके भाई साहब, एक पैलेट मिला मेरे को इसको मारने के बाद। ओ हो 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 भाई, ये पहली बार जब मैं इस बंदे से लड़ा था भाई, कसम से डूड, इस बंदे ने मेरे को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, मत कर भाई। बस यही है कि सीक्रेट मैकेनिक मेरे को पता चल गया कि भाई एग्जैक्टली इसको मारना कैसे है, मेन मोमेंट पे मेरे को ब्लॉक कर रहा है और उसके बाद ये करना है। तो चल भाई, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे चेक पॉइंट होना चाहिए। डू नॉट ओपन फ्रॉम दिस साइड, भाई ये तो सही है भाई। चलो यहाँ पे मेडिकल और है, फिस्टफुल ऑफ एश, ओके, तो मेरे को किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा, लेकिन बट जाना कहाँ है मेरे को, एक यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके शायद मेरे ख्याल से यहीं से जाना पड़ेगा, यहाँ जंप करना पड़ेगा मेरे को लगता है ऐसे। ओके चल, अबे स्पेस इन द एयर एंड होल, अबे डूड एक मिनट, ऊपर कैसे जाऊं मैं, एक मिनट यार, ऐसे ही जाना तो भाई, ऐसे ही रास्ता तो यही दिखा रहा है,
डूड मैं फंस गया यार। चल यार गाइस अभी 20 मिनट हो गया है, तो चलो यार यहाँ पे एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिगर आउट करूँगा यार ऊपर कैसे जाना है, मैं हर 10 मिनट तक यहीं पे ट्राई नहीं कर सकता। तो आई होप यार तुम लोगों को ये नया इन्जॉय किया होगा, और चलो अगले एपिसोड में मिलेंगे। और साथ में ब्लैक डेजर्ट का वीडियो डालता रहूँगा, और प्लीज़ कमेंट में बता देना ब्लैक डेजर्ट ऑनलाइन। एक्चुअली मैं बहुत हाई कैरेक्टर से खेल रहा हूँ, तो तुम लोग को अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं एक कैरेक्टर जो है कैसे वो हाई लेवल तक पहुँचते हैं स्टार्टिंग से एंड गेम तक मैं वो प्ले कर लूँगा। तो चलो बाय बाय गाइज, लव यू और सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय।